दोस्तों ये पहुंच गया हूँ, एक नंबर गली देख सकते हो, ये एक नंबर गली है और ये जो घर दिखाई दे रहा है लास्ट है, यहाँ का एंड है। उस तरफ डंगोली बाबा स्थान शुरू हो जाता है और डंगोली बाबा स्थान का भी बाद में बना देंगे उस मंदिर का भी, और इधर से शुरू हो जाता है हमारा गली, देख सकते हो ये एक नंबर गली है। और भैया आ रहे हैं आगे से और अभी रियर कैमरे से दिखाएंगे, बने रहना ब्लॉग में। ये कब ये लाइन गली मतलब कितने में खर्च हुआ है ये लिखा हुआ है सारा कुछ, अच्छा लगता है। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के ऊपर बनाया हुआ है ये सड़क, देख सकते हो। और ये हमारे गांव के भैया है, इनका ये प्रॉपर्टी है। देखो हमारे हर लोग हर कोई मतलब हाथ जोड़ के मतलब आप लोगों को स्वागत करते, काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम भी भैया को सैल्यूट करते हैं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि यहाँ पे कल्चर सबसे पहले है। ये बहुत पुराना 100 साल का गाछ है, कौन सा देखो भैया अभी कुछ दिखाना चाह रहे हैं, 100 साल का पुराना पेड़ है। अभी चलते हैं तो 100 साल का पुराना, देखो ये 100 साल पुराना, एक ये देखो ये पेड़ 100 साल पुराना है। क्या किस चीज़ का पेड़ है ये? डिफॉल्ट बोलता है बंगला में। डिफॉल्ट मतलब जब मतलब खाने का चीज़ है या खाने का है? पेट बीमार हुआ अच्छा होता है। तो इसका फल है कहीं? अभी तो फल नहीं है। नहीं है तो दोस्तों अभी फल नहीं है। देखो ये 100 साल पुराना पेड़ है, देख सकते हो 100 साल पुराना पेड़ इस तरह से अभी भी एकदम मतलब लग रहा है ताज़ा फ्रेश। और देख सकते हो हमारे यहाँ में 100 साल पुराना भी पेड़ है और होना भी चाहिए। इनका दादाजी का उम्र से भी पहले का है बता रहे, तो इसमें पीले पीले से फल होते हैं। देखो ये भी घर पुराने घर है ये सारे, अभी काफ़ी अच्छा लुक में दिखाई दे रहे हैं। ये घर भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये कच्चा तम्बूल का पेड़ है, सूखने के बाद सुपारी बन जाता है। ये हमारे यहाँ पे पुखुरी बोलते हैं इसे, और भैया जी हमें दिखा रहे हैं, बोल रहे ये बहुत पुराना है, देखो मच्छी है इसमें। तो दोस्तों ये है खड़े ईट, क्यों खड़े ईट लगाया जाता है ये अभी बताता हूँ। यहाँ पे ईट का महंगाई कितना है? 13,000 ना, तो 13,000-14,000 के समथिंग अच्छा ईट मिलेगा। और इसका देखो ये इन्होंने चौड़ाई अच्छा है हमारा ईट का, इसलिए ये इन्होंने मतलब खड़े ईट लगाते हैं, क्योंकि महंगाई बहुत है यहाँ पे और उतना मतलब आमदनी नहीं है यहाँ पे, तो इस चीज़ को समझना चाहिए लोगों को। तो भैया बता रहा है ये बासंती माता है, तो यहाँ पे पूजा पाठ होते, देखो यहाँ पे भी देखो ये लोग मतलब माता का पूजा यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब मानते बहुत ज़्यादा है, जिस तरीके से यूपी में मानते हैं लोग इसी तरह यहाँ पे भी मानते, देख सकते हो कितना बांस का चारों तरफ से घेरा बना के रखा हुआ है, अच्छा लगता है। मैं भी बहुत दिन बाद आया हूँ, ब्याह हुआ परसों में, तो शादी भी किया है तो भाभी से मिलवा दो। भाभी तो अभी नहीं गया है, लड़का बच्चा बच्चा लोग है, कोई बात नहीं फिर मिलेंगे हम लोग। और तो देखो उनके बच्चे बैठे हुए क्वेटा में, चले में बीटा में अपना चले, तो दो लड़की है इनका और एक लड़का है, तो ये लोग आ रहे हैं। तो ये लड़का है, क्या नाम है तुम्हारा? निमित दास। कौन क्लास है पढ़ा? 8 और 8 में, क्लास 8 में लगता ही नहीं है जो देखो 8 में पढ़ते है, तो पढ़ाई करना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना। पढ़ाई करोगे तो ऐसा मेरे तरह ले लोगे, आने वाले टाइम में अच्छा बनोगे, समझे। और दोस्तों अभी चलता हूँ आगे, दिखाना है, लंबा वीडियो बन जाएगा नहीं तो। ये भी हमारे गांव के चाचा जी के घर है, चाचा जी होंगे या कोई भी हो, हमारे गांव के लोग हैं सारे। यह दिखाई दे खड़े हैं हमारे चाची जी यहाँ पे, और यह है हमारे चाचा जी दूसरे गाँव के। और ये भी देखो घर है हमारे सारे अच्छे खासे, देखो। और यहाँ पे हमारे चाची जी है यहाँ पे रुके हुए हैं। ये देखो ये लाव बोलते हैं इसे, कितने बड़े अच्छे से लग रहे। तो ये है लौकी, लौकी का पौधा ऐसे होते हैं हमारे यहाँ पे, बहुत खाते हैं ये, पसंद करते हैं लोग। और देखो ये भी है गांव के घर, और यहाँ पे भी है, देख सकते हो ये गांव के घर किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे दुकान भी है, देखो अच्छा से छोटा सा बना हुआ है अपना हिसाब से। और देखो रोड अच्छा ये है, थोड़ा सा अच्छा रोड बना हुआ है। और भी हमारे तरफ ब्लॉक है इधर पर मेन रोड के जैसे, देखो यहाँ पे भी ये भी अच्छा खासा बना हुआ है अच्छा सा। और देखो यहाँ गांव के लोग दिखाई दे रहे और काफ़ी अच्छा। तो ये हमारे मास्टर जी के छोटे भाई है। तो दोस्तों ये हमारे टीचर मास्टर जी है जो मुझे पढ़ाते थे क्लास 7, 8, 9 में, 10 में।
तो अभी रेल डिपार्टमेंट तक जाइसो ना আমার ব্লগ ইউটিউবে একটা চ্যানেল আছে ছোট ছোট মোটো তো এটা তো ব্লগ করি তো গাওটার একটু দেখাইতে লাগে না 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 ঠিক আছে হ্যাঁ নিজের গাওটা নাইলে খারাপ লাগে তো দোস্ত আগে আবি চলতে হ্যায় তো ইয়ে আমারে গাও কে লোক হ্যায় সারে দেখো ইয়া হ্যাঁ তো ইয়ে হ্যায় দেখো আমারে গাও কে ঘর আর ইয়া পে ভি হ্যায় ইধার ভি হ্যায় দেখো ইয়ে ভি আমারে জান পছন্দ কে ঘর হ্যায় আর ইয়ে আমারে দোস্ত হ্যায় সারে আমারে গাও কে লোক दोस्तों ये हमारे देखो छोटा सा स्टॉल यहाँ पे भी है और ये देखो हमारे गांव के सारे फ्रेंड है ये सारे और मुझे जान पहचानते हैं अच्छी तरीके से ये लोग को छोटे छोटे देखा था एकदम बिल्कुल नन्ने नन्ने अभी देखो कितने बड़े हो गए हाँ इतना बड़ा हो गया अभी बच्चे पैदा करने लायक हो गया देखो तो हंस रहे मजाक कर रहा हूँ बुरा मत मानना तो दोस्तों इसका ये भोजो गोपाल भाई जी का हमारा ये छोटा सा स्टॉल है देख सकते हो ये पाथो मास्टर क्यों ने पाथो मास्टर को यहाँ पे असल में मेरे बारे में ना किसी को पता नहीं है मैं ब्लॉग करता हूँ बहुत कम एक आधे रियर को पता होगा क्यों यहाँ पे मोबाइल भी किसी के पास है नहीं उतना सही बता रहा हूँ ना तो इसी वजह से यार दिल्ली में तो क्या है हर किसी के पास मोबाइल है नेट है वाईफाई है तो एनी टाइम चलता है और यहाँ पे किसी के पास चलता ही नहीं है मतलब यहाँ पे वाईफाई नहीं है मैं वीडियो अपलोड करने में इतना टाइम लग जाता है मुझे तो अभी चलता हूँ आगे बने रहना जान पहचान के घर है ये भी यहाँ पे देख सकते हो एक नंबर लाइन काफ़ी बड़ा है काफ़ी लंबा है यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे गांव के लोग ये गांव के घर ये भी घर बन रहा है बिल्डिंग देख सकते हो इधर जो है ना वो थोड़े से आगे से चाय पत्तियों का बगान शुरू हो जाता है और एंड हो जाता है हमारा गाँव उधर और इधर दो नंबर गली है उस तरफ अरे आगे से मैं चल रहा हूँ इधर धीरे धीरे लोग आ रहे हैं यहाँ पे भी अभी देख सकते काफ़ी दूर दूर घर बना हुआ है एक घर यहाँ पे है तो एक घर यहाँ पे है नज़दीक नहीं है फुल फ्रीडम है तो एक ये दीदी आ रही है साइकिल चलाते हुए मोबाइल में बातचीत करते हुए और देखो यहाँ पे ये एक घर है देख सकते हो ये भी और यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं लोग भी जंगली हरियाली मिलेगा देखो यहाँ पे भी घर बनाया जा रहा है और ये भी घर खड़े ईंट के ही है अंदर इधर मकान वकान बनाया जा रहा है देखो यहाँ पे भी एक दुकान है छोटा सा अरे हमारे गांव के चाचा जी है एक देखो गाँव के चाचा जी उधर देखो लकड़ी ले जाते हुए तो दोस्तों ये भी हमारे गांव के दोस्त लोग हैं फ्रेंड लोग और ये लोग पहचानते नहीं है मुझे और जानते भी नहीं है भूल चुके होंगे और अभी पहचान लिया इन्होंने मुझे तो डायरेक्ट बोल ही दिया हाँ तो चिन्मय बोल के पहचान लिया मुझे तो अभी चलता हूँ आगे दोस्तों ये देखो हमारे चाचा जी जा रहे हैं साइकिल चलाते हुए जाओ 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 फिल्म शूटिंग हो रहा है देखो ये है उसके दूसरे भाई हाँ अस्सलाम वालेकुम तो दोस्तों ये है हमारे ये भी हमारे मित्र है हेलो सुस्तो हां कब है सर भाई यार कत दिन लोग 7-8 दिन हो गए थे दोस्तों ये जो दोस्त है अभी इनसे खेला करता था इन लोगों से साथ कांचे और भी बहुत सारे चीजें और आज पुराने दिन याद आ रहे काफी अच्छा लगता है यार पुराने दिन याद करते हुए बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है पुराने दिनों का आप याद करते हो या नहीं और मैं तो पुराने दिनों को याद करता हूँ और सोचता हूँ जो कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में मिसिंग था और आज इसके लिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम से कुछ परेशानियों से झेल रहे और जो आर्थिक स्थिति है हम लोग का ख़राब है तो मैं सोचता हूँ जो कुछ करूँ मैं अपने गांव के लिए और आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे गाँव की स्थिति को देख के थोड़ा सा लग रहा है जो कुछ करना चाहिए इनके लिए ये हमारे अभी चाचा जी दिखाए थे उनका घर साइकिल से आए हुए थे और इधर भी है और ये हमारे चाची जी आ रहे हैं तो ये चाची जी मुझे भूल गए देखो और अभी पहचान गए मुझे तो चाची जी चल रहे किसी को भूला नहीं हूँ मगर मुझे सारे लोग भूल गए मगर अभी याद दिलाऊंगा जो देखो बच्चे हैं हमारे गांव के कितने सारे और ये वो देखो ये एक और एक घर है हमारे बंदरे और ये हमारे दोस्त ये भी है हमारे मित्र है रूपम दास और घर कुंटा तो ये इनका घर है
देखो सबका चादर वाला ही घर है, हमारे जैसे ही घर है, एक आधे का घर अलग होगा। मैं शादी कब कर लिया, जल्दी लड़की ढूंढने हो, ठीक है? तो आप लोग ढूंढो और मैं आप लोग के लिए ढूंढूंगा। नहीं तो बाद में बुढ़ा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। सही बोल रहा, सही बोल रहा, सही। कुछ काम का नहीं होगा। हाँ, काम का नहीं होगा, देखो इनको पता है काम का नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, दवाई से काम चला लेंगे। दवाई भी असर नहीं करेगा, दवाई भी असर नहीं। तो दोस्तों ये यहाँ पे एंड हो जाता है, यहाँ पे एक नंबर गली एंड हो जाता है। यहाँ पे लास्ट में एक दुकान है दो तीन, तो यहाँ का भी दर्शन करवा देता हूँ। तो देख सकते हो ये लास्ट में दो तीन दो दुकानें हैं, और ये हमारे गाँव के ही है किसी, देख सकते हो। और यहाँ पे ये एंड हो गया हमारा, इधर हो गया हमारा बगान जो चाय पत्तियों का बगान है, और यहाँ से हमारा बगान ये यहाँ से शुरू है। हम देख सकते हो ये एंड, यहाँ पे एंड ख़त्म हो गया। फिर मैं अभी इधर चलूँगा, इधर अपने गली की तरफ, फिर चौथा नंबर गली पकड़ूँगा, इधर आदिवासी लोग रहते हैं, इधर भी घूमूँगा कभी, बाद में ब्लॉग बनाएँगे एक। तो अभी चलता हूँ आगे।